नमस्कार दोस्तों, सावन का पवित्र माह चल रहा है और इस माह में भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के प्रयास करते हैं। इनमें एक प्रयास है भगवान शिव के मंत्रों का जप करना, लेकिन भगवान भोलेनाथ के सभी मंत्रों का सही से उच्चारण सभी भक्त नहीं कर पाते हैं, तो अपनी मनोकामनाओं को पूरा करना और भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के इस मंत्र का जप करें। सबसे सरल मंत्र और शक्तिशाली मंत्र है भगवान का ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं इस मंत्र का अर्थ और इसका महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार संसार में मौजूद पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व नमः शिवाय की पंच ध्वनियाँ करती हैं, जिनसे सारा संसार बना है और विनाश के समय उसी में समा जाती हैं। मंत्र के प्रत्येक अक्षर का अर्थ इस प्रकार है: न पृथ्वी, मह पानी, सि अग्नि, वा प्राण वायु और या आकाश को दर्शाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ओम नमः शिवाय महामंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौकिक पर लौकिक सुख देने वाला माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता है उसे भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। सबसे सरल मंत्र है अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए घर से एक तांबे के लोटे में जल ले जाएं, उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं और शिव मंदिर में जाकर इस जल को अर्पित करें और अपने मन की कामना को नंदी के कान में कहें। आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। शिव पंचाचर स्त्रोत की रचना आदि शंकराचार्य ने की थी। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओ नमः शिवाय पर आधारित इस स्त्रोत से शंकराचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इस मंत्र के महत्व को बताया है। इसमें भगवान भोलेनाथ के स्वरूप तथा उनके गुणों की प्रशंसा और वंदना की गई है, तो इस सावन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जप अवश्य करें। मंदिर नहीं जा पाते हैं तो अपने घर में ही करें, लेकिन ज़रूर करें और हमें आज्ञा दें। मेरा नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार।